वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, इस पूरी दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? छोड़ दो, ठीक है। मैंने कुछ पूछा था, अवसर भी दिया था कुछ सोचने के लिए, फिर से पूछ रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हमारे लिए, अर्थात अपने अपने लिए सबसे ज़्यादा क्या है? बहुत सी मूल्यवान चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है वह है हमारा अपना जीवन, क्योंकि हम सब कुछ दे करके जीवन बचाना चाहते हैं। जैसे कोई 10 लाख रुपये लेकर कहीं जा रहा हो, रास्ते में कोई बदमाश मिल जाए बंदूक लेकर और यह कहे कि जो कुछ है दे दो, नहीं तो मैं बंदूक से मार दूंगा, गोली दाग दूंगा, तो क्या हम में से कोई कहेगा मारना है तो मार लो, मैं अपनी कमाई का नहीं दूंगा? क्या कहेगा? जो कुछ है ले लो, मुझे छोड़ दो, जीवन रहेगा तो मैं फिर से धन कमा लूंगा। जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन जीवन मूल्यवान तो तभी होगा जब हम जीवन में जो चाहिए वो पा जाएं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सार्थक जीवन जिए। एक है सार्थक जीवन और दूसरा है निरर्थक जीवन। सार्थक जीवन किसे कहते हैं, सफल जीवन किसे कहते हैं? सुबह दोपहर के सत्र में मैंने कुछ बातें कही तो थी। जीवन के संबंध में बहुत कम चर्चा होती है, स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई नहीं होती है। मुझे कई बार स्कूलों में जाकर के बोलने का अवसर मिला है बच्चों के बीच, या बच्चे आते हैं मिलने के लिए, उनसे मैंने वार्ता की है। वहाँ जो पढ़ाई होती है कुछ विषयों की जानकारी दी जाती है, कुछ भाषा पढ़ाई जाती है, लिपियों की जानकारी होती है, जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। और ज़्यादातर तो चाहे वो गार्जियंस हों बच्चे हों, पढ़ने का उद्देश्य मानते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी कर लें, ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएं। लेकिन केवल पैसा उद्देश्य नहीं है, ये सही है कि पढ़ने लिखने का एक उद्देश्य यह भी है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, लेकिन जो खास उद्देश्य एक और है वो हम भूल ही जाते हैं, और वह है जो हमें जीने का ढंग बताए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में जाकर तो बच्चे पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलते हैं। न इसकी चर्चा घरों में होती है, न इसकी चर्चा समाज में होती है। कभी कभी ये बात होती है जब हम कोई सामान लाते हैं घर में, जैसे कोई प्रेस्टीज कुकर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो,
रेफ्रिजरेटर हो, कुछ सामान लाते हैं, उसके साथ में एक पुस्तिका आती है, किटलाक आता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं निर्देश पुस्तिका। उस सामान को जो आप खरीद के लाए हैं, इसको सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें, ये सारा निर्देश लिखा रहता है। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं तो समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है, कैसे जीना है। शादी होती है तो भी निर्देश पुस्तिका जारी नहीं की जाती है, ये आपके पति के रूप में है, ये आपकी पत्नी है, इनके साथ आपको सुख से रहना है तो ये करना होगा, ये छोड़ना होगा, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं। माँ बन गई, पिता बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं। दादा दादी बन गए तो भी नहीं। और इसीलिए क्या होता है, केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से जीना है, सही ढंग से। कोई भी काम जब आप सोच विचार के करते हैं, कोई भी काम सोच विचार कर करते हैं तो वह काम अच्छा होता है। कोई भी काम आप देख लीजिए, बिना सोचे समझे काम करेंगे क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। ये बहुत पुरानी पंक्ति सबको याद है, पढ़ने लिखने वालों को तो याद ही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में हो थसाए। बिना विचारे जो करे कोई काम, एक उदाहरण ले लो, व्यापार बिना सोचे समझे शुरू कर दे, खेती बिना सोचे समझे कर ले, भोजन भी बिना सोचे समझे बनाए, क्या होगा। बाल बच्चों की परवरिश कैसे करना है, सोचे समझे ही नहीं, बस बच्चा पैदा कर दिए, हो गया। केवल बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई माँ हो गई, केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई पिता हो गया। वो उसी प्रकार से है जैसे कोई साधु किसी को दीक्षा दे दे, तो क्या साधु कोई दीक्षा दे दे तो गुरु हो गया वो, दीक्षा देने से मात्र से कैसे गुरु हो जाएगा, वो औपचारिकता है दे दो, लेकिन गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, ऐसी पितृत्व का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की, कि जो बच्चे आपके बीच में आए हैं उसे एक सही इंसान के रूप में विकसित करें, नेक इंसान बनाना है। केवल यूं ही नहीं के पाल पोस के बड़ा कर दिए, वे सद्गुणी बने, वे सदाचारी बने, संयमी बने, समाज सेवी बने, अपने लिए भी अच्छा जिए, दूसरों के लिए भी अच्छा जिए। ये तो खैर अलग विषय होगा। मैं ये कह रहा था कि जीवन की पढ़ाई नहीं होती है, और इसीलिए जीवन के संबंध में हम नहीं जानते हैं। जब कहीं धार्मिक कथा भागवत या कोई कीर्तन वगैरह हो जाता है तो वहाँ भी जीवन के संबंध में बहुत कम चर्चा करते हैं, ज़्यादातर तो कथाएं होती हैं, पहले के महापुरुषों के जीवन का चरित्र का वर्णन किया जाता है, कहाँ जन्मे, किससे शादी हुई, किससे लड़ाई हुई, किसने छल कपट किया, किसने क्या किया, किसको राज्य मिला, किसको राज से हटाया गया, कौन मारा, कौन परेशान किया, यही सब बातें होती ज़्यादातर। तो हमें अपने जीवन को कैसे तराशना और संवारना है ये बातें कम होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन तब मूल्यवान है, जीवन तब महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमें सुख शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, परस्पर में प्रेम का अनुभव हो, स्वास्थ्य का अनुभव हो, समृद्धि का अनुभव हो, तभी तो जीवन सार्थक होगा। इसलिए जीवन को ऐसा बनाना है, मैंने कहा ना अभी
तराशना है, संवारना है, क्या होता है ये? जैसे हीरा सूरत आश्रम में रहना होता है तो सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं। गुजरात में एक शहर है सूरत, डायमंड सिटी, जहाँ पर हीरे तराशे जाते हैं। सिल्क सिटी भी कहते हैं, साड़ियाँ बहुत बनती हैं, लेकिन खास तो वहाँ डायमंड सिटी। हीरे का काम बहुत होता है, बहुत सारे भक्त प्रेमी लोग हैं जो लोग हीरे का काम करते हैं। कभी कभी उन लोगों से कहते हैं कि भाई जरा हीरा ले आओ देखें, क्योंकि कबीर साहब जी ने हीरे के विषय में बहुत सी बातें कही है, कई बार उन्होंने हीरे की याद की है, तो जरा हीरा लाओ। तो जब वो लाते हैं तो दोनों प्रकार के, एक बिना तराशा हुआ हीरा और दूसरा होता है तराशा हुआ हीरा। जो बिना तराशे हुए हीरे को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई नदी से बालू उठा लाए हैं, थोड़ा सा पीला पीला मटमाला टाइप का दिखता है, मैंने तो कई बार देखा है। लेकिन आप जब उसको जब लोग तराश देते हैं तो उसकी चमक बढ़ जाती है 56 पहल। समझ रहे हैं कितने बनते हैं? 56 पहल। छोटा सा वह हीरा होगा उसमें 56 पहल बनाए जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस दिन हम अपने जीवन को तराश देते हैं, जीवन की भी चमक बढ़ जाती है, जीवन की भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन तराशने की कला होनी चाहिए, सीखना पड़ेगा। एक अनगढ़ पत्थर जिस पर लोग पैर रखते हैं, आगे जाते हैं, इधर पड़ा उधर पड़ा, कोई उसका महत्व नहीं है। लेकिन जब किसी कलाकार के हाथ में पत्थर आ जाता है, तब किसी कलाकार के हाथ में जब पत्थर लग जाता है तो क्या करता है, वह पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है, पत्थर को तराश देता है, पत्थर को तराश देता है। अच्छा, मैं क्या कहना चाहता हूं तराशने का, ये समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना? बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। जीवन को समझने के लिए बहुत सरल शब्द ही पर्याप्त हैं। तराशने का मतलब कह रहा था कि मूर्ति, एक आदमी था, एक जो इसी प्रकार शिल्पकार था, उसके पास जब वो अपना मूर्ति का मूर्ति निर्मित कर रहा, बना रहा था, उसी समय जाकर खड़ा रहा, देख रहा था, और मूर्ति को क्या खुट खुट वो छीनियाँ थोड़ी ले करके वो खुट खुट कर रहा था। काफ़ी देर से देखने के बाद उसने कहा कि भाई कब से मैं खड़ा होकर के देख रहा हूँ कि मूर्ति कब बनाओगे, तुम तो बस खुट खुट कर रहे हो, कब बनाओगे मूर्ति, जरा बताओ तो सही मुझे। उसने कहा, बंधु मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति का डिस्कवर होता है, आविष्कृत होता है, वो ढका हुआ है, उसे बस उभार देना होता है। आप कभी देखें मूर्ति निर्मित करते हुए तो सच क्या है, पत्थर के वे अंश जो मूर्ति को ढके हुए हैं उन्हीं अंशों को काट के निकाल देता है। जैसे मान लो एक पत्थर हो जिसमें भगवान राम की मूर्ति बनाना हो, या बुद्ध की बनाना हो, या किसी भी महापुरुष की, तो होता क्या है जनरली, उस पत्थर में पहले से बुद्ध की या राम की मूर्ति है ऑलरेडी, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो ऐसे पत्थर हैं जो ढके हुए हैं। और मूर्तिकार क्या करते हैं, उन्हीं पत्थर को छीन छीन के निकाल देते। यही तो तराशना हुआ ना। बचाता किसको है, जो मूर्ति को निर्मित करने में सहयोगी बने। जैसे वो चेहरे को बनाने लगे, चेहरे को जब बनाने लगता है तो क्या ध्यान रखता है, जिस पत्थर में नाक की आकृति उभरने वाली है उसे बचाएगा, लेकिन नाक को जो ढके हुए पत्थर है उसको निकाल देगा तो क्या होगा, नाक दिखने लग जाएगी, कान दिखने लग जाएगी, आंख दिखने लग जाएगी। तो ये जो अंदर है वो छिपा है वो निकल रहा है, उसको निकाल दिया, तराश दिया गया उसको। बस यही बात है सब जीवन के लिए। हमारे जीवन में भी
जिसे हम चाहते हैं वो भीतर है। आप क्या चाहते हैं? एक चीज मैं पूछूं आप लोगों से, आप यहां बैठे हैं और आपसे अलग कहीं सत्य होगा? या आप यहां बैठे हैं और आपसे अलग कहीं सत्य होगा जिसको सत्य को आपके भीतर डालें? आप यहां हैं और आपसे अलग कोई शांति होगी? चलो भाई वहां से शांति ले आओ, अंदर डिपॉजिट कर दो, अंदर इसको फिट कर दो, ऐसा तो नहीं है। आप यहां हो और आपका सुख कहीं अलग रखा हो, ऐसा तो नहीं है कि सुख वहां है, वहां से ला करके यहां डालेंगे तब सुख होगा। दोपहर के सत्र में सुख के संबंध में मैंने चर्चा की थी। सुख कोई वस्तु नहीं है कि कोई आपको दे, ना कोई परिवार का आदमी दे सकता है, ना कोई रिश्तेदार दे सकता है, ना बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आपको सुख दे सकते हैं। यहां तक के जिन्हें आप भगवान भी कहते हैं वो आएंगे, सुख कैसे देंगे आपको? कोई वस्तु थोड़ी है कि कोई दे दे आपको, लो एक किलो सुख देता हूं। सुख जो है मन की दशा है, एक मन की अवस्था है, और जब तक आप जीवन को नहीं तरासेंगे मन की वो दशा आएगी नहीं, मन की दशा नहीं आएगी। इसलिए कोई कुछ समय के लिए दे भी दे, चलो हम मान लेते हैं दुर्जन दोष न्याय, किसी ने दे भी दिया, जो बाद में जो बाहर से मिली हुई चीजें छूट जाती हैं, बाहर से मिली हुई चीजें हमेशा छूट जाती है, वो रहती नहीं हमारे साथ में। आप बताएं आज तक जितनी चीजें आप हाथ से पकड़े छूटी नहीं छूटी हैं, और आज पकड़ लेंगे छूटेगी कि नहीं छूटेगी? अंत में छोड़ना है, नहीं पकड़े ही रहेंगे, कब तक पकड़े रहेंगे? अंत में मृत्यु हमको उस सामान से वियोग करा देगा, करा देगी। जब मरेंगे तो जो भी चीजें हम हाथ में पकड़ के बैठे रहेंगे शरीर के साथ, वो रह जाएगा। तो चीजें तो छूटेंगी, चीज तो है नहीं, वो सत्य भी उसी प्रकार से कोई चीज नहीं है, परमात्मा भी कोई चीज नहीं है कि आप ला करके भीतर में परमात्मा डाल दो। मैंने क्या कहा? अनावरण। और यही कबीर का संदेश, उन्होंने जो कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट, घूंघट समझ रहे हैं आप लोग, समझेंगे ही घूंघट को। जब साड़ी के पल्लू थोड़ा खींच करके चेहरा ढक लेती हैं माता बहने, उसको घूंघट कहते हैं। क्यों? बड़ों के सामने एक मर्यादा की दृष्टि से। लेकिन पति के सामने कोई घूंघट हो तो फिर पति से मिलना नहीं हो पाएगा। तो पति का मतलब वही है स्वामी, पति का मतलब परमात्मा। उसके सामने वो कौन सा घूंघट है? अविद्या का। वो कौन सा घूंघट है? अज्ञान का, ना समझी का, मोह का, वो हटाना है। तो तरासने की बात हो रही थी, इस पर चर्चा करूं, क्योंकि वो विषय थोड़ा सा और डीप चला जाएगा, उस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन को तराशना है। कैसे? जैसे बताया ना, जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराश दिया। कभी आप गुजरात के गांधीनगर, गांधीनगर जो वहां की राजधानी ही कैपिटल प्लेस है, वहां आप कभी गए और नाम सुने होंगे अक्षरधाम, तो वहां स्वामी नारायण का मंदिर है और मंदिर के बाजू में एक प्रदर्शनी है, स्वामी नारायण के ही जीवन के संबंध में प्रदर्शनी है। जैसे ही प्रदर्शनी में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक पत्थर को ऐसा दिखाया गया है, आदमी की आकृति है लेकिन वो पूरी निर्मित नहीं है, थोड़ा सा चेहरा देख के लगता है कि आदमी है, लेकिन उस आदमी के उसी पत्थर में एक हाथ में छीनी और दूसरे हाथ में हथौड़ी लेकर के ऐसा वो बनाया गया है, ऐसे पत्थर को। अधूरी मूर्ति है, निर्मित पूरी नहीं है, लेकिन उसमें दिखाए गए इस प्रकार से पकड़े हुए पत्थर में ही। संदेश क्या है? मूर्ति जो आदमी अपना निर्माता है, आदमी अपना निर्माता है, ये संदेश देते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप ही हैं। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप निर्मित करते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। अब प्रश्न होगा कैसा जीवन चाहते हैं? जैसा चाहते हैं,
वैसा आप निर्मित करते, होता है निर्मित, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, बिना सोचे समझे होगा तो फिर बिना सोचे समझे हो रहा है निर्मित, तो क्या होता है? तभी तो कहते हैं हम, क्या बताएं, जीवन में दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, आदमी डिप्रेस रहता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध, झुंझलाहट, शिकायत से भरा हुआ, क्यों? सोच समझ के नहीं जी रहा है, सही ढंग से नहीं जी रहा है। क्योंकि सही ढंग से जिएंगे तो आपके जीवन में शिकायत नहीं रहेगी, दुख और अशांति नहीं रहेगी, इसलिए ये तराशना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण क्या है, जीवन को हमें निर्मित करना है। किससे निर्मित करना, कैसे होता है निर्मित, बस थोड़ी सी चर्चा मैं इस पर और करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक मूर्तिकार आता है और पत्थर को तराशता है, किसको लेकर के, छीनी औजार लेकर, थोड़े शब्दों को टूल्स लेकर के आता है, अब नाम चाहे दो, छीनी दो, हथौड़ी दो, ग्राइंडर दो, जो भी लेकर के आया और उसको तराशा। हम सब भी अपने जीवन को तराशते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो मूर्तिकार में और हम में एक बड़ा अंतर है वो जानने जैसा है। क्या है? कोई भी कलाकार हो, चाहे वह कारपेंटर हो, लकड़ी है तो लकड़ी उबड़ खाबड़ लकड़ी है, और बढ़ई के हाथ में जैसे वह मिली एक सुंदर फर्नीचर के रूप में, सोना है, गोल्ड, सोना, उस सोनार को एक सामान्य से बिस्किट रूप में है, लेकिन जब सोनार के हाथ में लगा, किसी कलाकार के हाथ में लगला सुंदर हार के रूप में, कोई भी चीज, लेकिन वो औजार लेकर के काम शुरू करता है, औजार लेकर के काम शुरू करता है। ऐसे ही हम सबको जीवन को निर्मित करने के लिए, दूसरे शब्द में कि सुंदर जीवन बनाने के लिए, औजार हम सबके पास भी है, हम सबके पास में। लेकिन सौभाग्य की बात क्या है, बाहरी कलाकारों को, दूसरे कलाकारों को औजार बाहर से लाना पड़ता है, और हम लोगों को औजार जन्म से मिला हुआ है, इसको लाना नहीं पड़ता है, यही विशेषता है। मतलब हम सबके पास ऑलरेडी वह औजार है, हम सबके पास है, जितने अभी दिख रहे हैं सबके पास में, जितने मनुष्य हैं सबके पास वो औजार है, सबके पास। क्या उस औजार के बारे में जानना चाहेंगे? वो औजार है हमारा मन, वह औजार है हमारी वाणी, और वह औजार है हमारी इंद्रियां। ये तीन चीजें हैं, मन, वाणी और इंद्रियां, ये तीन है। अब औजार का प्रयोग आप सही करते हैं, कलाकार हैं, औजार का प्रयोग सही करते हैं, बढ़िया मूर्ति बन जाती है। औजार का प्रयोग ही गलत किए, जाने नहीं प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे एक कैनवास हो, बोर्ड हो, और रंग हो, ब्रश हो, और हमें कहा गया कि भाई इसमें एक चित्र उभारो, एक चित्र बनाओ, हमने तो कभी ब्रश हाथ में लिया नहीं, फिर क्या करेंगे, वो ब्रश को भी लेंगे, रंग में भी लेंगे और डुबाएंगे, और कैनवास में ऐसा ऐसा लगाएंगे, रंग भी खराब, ब्रश भी खराब, और कैनवास भी खराब, कोई चित्र उभरे नहीं, एक रंगों से पोता हुआ एक कैनवास दिखेगा, कोई मूल्य नहीं। लेकिन जब कोई कलाकार आता है, चित्रकार आता है, वही रंग, वही ब्रश, वही कैनवास, इतना सुंदर चित्र बना देता है, बहुत मूल्यवान। रंग को कहाँ कितना लेना है, कहाँ कितना उसमें रखना है, कैसी आकृति देना है, सब उनके अंदर कला है। ऐसे ही है, हमारे पास भी तो औजार है, लेकिन हम उस औजार को प्रयोग ही करने नहीं जा रहे, और ऐसा बिगाड़ रहे हैं अपने जीवन को कि बस जीवन इतना बिगाड़ डालते हैं, इतना आदमी उसको बिगाड़ता चला जाता है। और तभी क्या होता है जानते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन जीना नहीं है अब बस। और कई लोग इतने ज्यादा डीप चले जाते, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि बस अब मर जाना अच्छा है, और जीवन जीने की अपेक्षा मृत्यु को वरण कर लेते हैं, चाहे वो जहर खा लेते हों, फांसी लगा लेते हों, या और भी बहुत कुछ कर लेते हों। क्या जीवन इसी के लिए है? क्या जीवन को निर्मित करके सुंदर जीवन नहीं जिया जा सकता है? जिया जा सकता है। अच्छा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा बहुतों ने किया है,
आज भी कर रहे हैं। जो हमारे पास में योग्यता और संभावना है, वही योग्यता और संभावना जो सफल लोग हैं उनमें भी है। किसका किसका नाम लूं, आप नाम ले लीजिए, चाहे बुद्ध कहें, महावीर कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, ईसा कहें, मोहम्मद कहें, कबीर कहें, नानक कहें, कोई भी नाम ले लीजिए आप। ये तो चलो साधना मार्ग के हैं, या फिर आप भौतिक क्षेत्र दुनिया में जो सफल लोग हैं, चाहे वो खेल जगत में सफल हुआ हो, संगीत में सफल हुआ हो, नृत्य में सफल हुआ हो, अभिनय में सफल हुआ हो, राजनीति में सफल, व्यवसाय में सफल, किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ हो, उन सफल लोगों के बारे में देखो क्या था। जो हाथ पैर, जो इंद्रियां, जो शरीर हमारे पास, वही तो उनके पास भी है, वही तो उनके पास है। और आप देखेंगे, आप कहेंगे कि क्या बताऊं, मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं गरीब घर में। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपसे भी ज्यादा गरीब घर में जन्मे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं, जो बहुत गरीब घर में पैदा हुए और जीवन को सफल बना लिए, चोटी पर पहुंच गए, चोटी पर। और जिन परिस्थितियों को लेकर के शिकायत कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझे इन परिस्थितियों के नाते मैं सफल नहीं हो पाया, उन्हीं परिस्थितियों, उससे भी बदतर परिस्थिति में रहने वाले लोग सफल हुए हैं। और यहाँ तक जिनके पैर नहीं थे वे भी सफल हुए, जिनके हाथ नहीं वे भी सफल हुए, जिनकी आँख नहीं वे भी सफल हुए। कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, मैं कितनी बार उदाहरण दिया करता हूँ, एक ही नाम बताऊँ, अंधी बहरी गूंगी। अंधी बहरी गूंगी, आँख से देख नहीं सकती, मुंह से बोल नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, जानते हो नाम, हेलन केलर, नाम सुने होंगे, वो सफल होती है। और हम क्या कह रहे हैं, क्या बताएं, हमको मौका नहीं मिला। आपको बताऊं, अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन जाता है और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, सही है ना। लोहा का काम करने वाला टाटा बन जाता है और जूते का काम करने वाला बाटा बन जाता है। और हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बताएं, हमारे जीवन में शिकायत, दूसरों को दोष देते देते हम अपने जीवन में इतना दोष इकट्ठा कर लेते हैं, कहते हैं और असफल जीवन जीते हैं, हारा हुआ जीवन नहीं, जीवन जीतने के लिए मिला है, जीवन में आनंद के अनुभव करने के लिए मिला है। वो मैं कह रहा था कि हम अपने अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का सही उपयोग करें, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, इन तीनों को हम सही समझ सही ढंग से करने लग जाएं, बस जीवन सुंदर होता चला जाएगा, जीवन सुंदर होता। जीवन को आप सुंदर बनाना चाहें, ख्याल करिए कैसे बनेगा। आप यदि इन बातों को न भी माने, जो मैं कह रहा हूं उसको न भी माने, तो आप लोगों के हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर जीवन किसे कहेंगे। क्या आपका घर सुंदर हो जाएगा तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपको क्या लगता है। एक सुंदर सा मकान आपका, आप कहोगे मेरा जीवन सुंदर हो गया। मकान सुंदर हुआ, क्या जीवन भी सुंदर हो गया। और एक सुंदर सुंदर कई गाड़ियां आपके घर के आंगन में खड़ी हुई हैं, तो क्या आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपको क्या लगता है। नहीं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके घर में कई गाड़ियां खड़ी हैं। मैं देखा हूं ऐसे लोगों को, भोपाल की बात याद आती है, गुरुदेव जी के साथ भोपाल जाना हुआ था, एक अग्रवाल जी, अग्रवाल नाम तो भी याद है, नाम क्या बताऊं लेकर के, उनके घर भोजन के लिए गए थे, उनके आंगन में घर में पांच कितनी गाड़ियां खड़ी थी। तो फिर गुरुदेव जी ने पूछा, ये गाड़ियां सब आपकी होगी। हाँ, ये कहे ये बेटे की है, ये छोटे की, ये बहू की है, ये पोते की है, और ये मेरे लिए दिए हैं, और कुछ आने जाने वालों के एक एक्स्ट्रा गाड़ी है। मकान वो बताए कि 6 फैक्ट्रियां उनकी चलती थी। पहले क्या बोलते थे वो, पहले हम नौकरी करते थे, मैं नौकरी करता था, एक किराए के मकान पर रहते थे, तो मकान 8 रुपये के किराए हम देते थे, लेकिन जगह थोड़ा कंजेस्टेड थी। एक मकान थोड़ा बाजू में मिल रहा था, 9 रुपये उसके किराए थे,
तो फिर 9 रुपया बचाए कहाँ से अभी महीने के खर्च से। माँ ने कहा बेटा किराया उसको ले लो, मैं अपने ये से घर की खर्चे से 1 रुपया बचाऊंगी। और ले ली एक मकान को, बहुत अच्छा हो गया, प्रशस्त मकान रहने बसने में। उस समय जो हमें आनंद का अनुभव होता था इस महल में नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा भवन, क्या बड़ा भवन में रहना गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बड़े भवन में अवश्य रहें, लेकिन ये माने कि बड़ा भवन में रहने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम हटा दीजिए। क्योंकि बड़े भवन वाले लोग भी महादुखी देखे गए हैं, बड़े बड़ी गाड़ी में चलने वाले लोग भी दुखी देखे गए हैं, आपस में संघर्ष करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले देखे गए हैं, आत्महत्या तक करने वाले मिलते हैं ऐसे लोग। इसलिए घर को सुंदर बनाने से जीवन सुंदर नहीं होगा, सुंदर गाड़ी लाने से जीवन सुंदर नहीं होगा, सुंदर कपड़े पहनने से जीवन सुंदर नहीं होगा। एक बात और पूछूं, यदि चेहरे को सुंदर बना लें तो? वैसे तो मैलानी में भी दुकानें होंगी, उसकी पार्लर चलती है आजकल, कई दुकानें होंगी। यदि वैसा कर लें, कुछ घंटे के लिए गए और वहां पर सुंदर दिख जाए कुछ मेकअप इत्यादि करके, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्या है जिसको सुंदर बनाने से जीवन सुंदर होता है? एक ही चीज है, वह है आपका मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। कबीर की एक साखी बहुत प्रसिद्ध है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो सब सध जाएगा, और सबको साधने चले, सबको ठीक करने, सबको वश में करने चले, मन बिखर जाएगा। आप कहेंगे सब तो ठीक है, लेकिन यही भर तो नहीं होता है, हम काम ही नहीं करते हैं। असल में सच बात तो ये है, हम काम ही नहीं, हम समय ही नहीं देते हैं। आप जरा सोचिए, 24 घंटे में से आप अपने पूरे दैनंदिनी को रूटीन, जो सुबह से शाम तक आपका जो कार्य है, पूरा शेड्यूल है, उसको आप थोड़ा सा खंगाल के देखिए। सुबह जैसे नींद खुली और जब आप बिस्तर पर गए, इस बीच में आपने जो जो सुबह से शाम तक आप करते हैं, रोज रोज जो करते हैं, क्या करते हैं आप देख लीजिए। अपने लिए उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, बस नाश्ता पानी किए, ऑफिस निकले, घर का काम जो भी किए, फिर वहां से आए, लौटे, फिर से खाए पिए, टीवी देखे, सो गए। क्या आपको लगता है कि कुछ समय अपने आप को संवारने के लिए समय निकाला गया, कुछ तराशने के लिए समय निकाला गया? नहीं निकाला गया है, ठीक करने का समय निकाला ही नहीं गया है। आपसे कहा जाए भैया कुछ देर ध्यान कर पाते हो, क्या बताएं महाराज, छुट्टियां नहीं मिलती है, होता है कि नहीं होता है? और यहां बैठी सब माता बहने भी नहीं, भाई लोग भी सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अधिकतम लोग तो बैठे होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। मैं पूछूं कितने लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं, कुछ पन्ने कह रहा हूं ना, पुस्तक के रोज कितने पन्ने पढ़ लेते हैं, कुछ पन्ने पढ़ लेते हैं? नहीं, पुस्तक खोलते ही नहीं, क्योंकि आजकल तो सबसे बड़े देवी और देवता हमारा मोबाइल हो गया है, सही है कि नहीं है? मोबाइल एडिक्शन शराब से भी बढ़ के है, कभी कभी इस विषय पर बोलना होता है, शराब से भी बढ़ के है मोबाइल। शराब तो लोग कभी कभी पीते हैं, और मोबाइल देख लो कितना समय जाता है उसमें, कितना समय। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक से बचा हुआ समय ही जिंदगी है, कितनी व्यस्तता रहती है, टीवी देख में कितना समय, मोबाइल में कितना समय, और मित्रों से गपबाजी करते हुए, इससे उससे बात करते हुए, तमाम राग द्वेष की चर्चा, चुगली निंदा करते हुए समय बिता देते हैं। थोड़ा से भी अपने जीवन को निरीक्षण करने के लिए, तराशने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा कुछ कर भी लिए, कहूँ मंदिर वगैरह कुछ मूर्ति वर्ति रख लेंगे, थोड़ी सी धूप बत्ती लगा दिए, अगरबत्ती लगा दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, फूल चढ़ा दिए, बस हाथ जोड़ खड़े हो गया धर्म। धर्म कुछ समझते हैं कि बस हो गया धर्म, इतना ही, इतना सस्ता है धर्म, अब इतने में भगवान मिलेंगे, इतना सस्ता है, जैसे कोई पान तम्बाकू के भाव आप खरीद रहे हैं। आपको उसका अनुभव मैं कहा करता हूं, एक चीज को समझें आप, थोड़ा सा विषय बदलता हूं, थोड़ा सा
एक सूत्र कह रहा हूं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। मतलब यह है, एक विद्यार्थी है, वह क्या चाहता है, मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, तो क्या उनके चाहने से वह फर्स्ट आ जाएगा? नहीं। कब आएगा? जब उसकी योग्यता होगी। एक पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ लिख करके पढ़ाई पूरी हो गई और क्या चाहता, मैं कलेक्टर हो जाऊं। क्या कलेक्टर हो जाऊं ऐसा चाहने से कलेक्टर हो जाएगा? नहीं। कब होगा? कलेक्टर की योग्यता होगी तब। ऐसे ही हम क्या चाहते हैं, मैं सुख शांति का जीवन जीऊं, मुझे भगवान दर्शन दे। आपको भगवान क्यों दर्शन देंगे बताइए, क्या विशेषता है, क्या विशेषता है आप में, कौन सी योग्यता है जिससे आपको भगवान दर्शन दे? यह आप पंक्ति सुने, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। क्या चित्त की शुद्धि है? अभी तो हमारे भीतर में राग द्वेष नफरत घृणा ईर्ष्या क्रोध इन महान विकारों से भरा हुआ है चित्त, वहां कैसे हमको किसी परमात्मा का दर्शन हो पाएगा? कबीर की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई, गुरु से कर मेल गवारा क्या सोचत बारंबारा। दर्पण में धूल लगी हो, प्रतिबिंब दिखाई देगा, चेहरा दिखाई देगा? नहीं। साफ करो ये चित्त दर्पण, चित्त को भी ये सुने होंगे पंक्ति, बहुत पुराना सिनेमा वाले लोग गाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों का देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही मैला है। अब आप कहते हैं क्या बताएं, यही बार साफ नहीं होता, हम समय ही नहीं देते हैं। और सुबह के सत्र में भी बताया था, मन कैसे बनता है, हमारे कर्मों से। हम गलत करेंगे गलत छाप बनेंगी, गलत देखेंगे गलत सुनेंगे गलत व्यवहार करेंगे, वो सब संस्कार भीतर इकट्ठा होता चला जाता है। ये बदलना होगा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, तीर्थों में जाने से घूमने से पवित्र नदियों में नहाने से जीवन नहीं बदलता है, माला जपने से और मंत्रोच्चार से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं, जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का मतलब, आपका बदलने का मतलब आपका घर बदलना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, आपका बदलने का मतलब है आपके चित्त का बदलना, आपके अंतस का बदलना, आपकी वाणी का बदलना, यह बदलना असली चीज है। वो हम, अच्छा हम कर सकते हैं ये चीज, और सुबह भी मैंने दोपहर भी कहा था, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कर सकता है ना, सीधी सी बात है, बिना पढ़े लिखे आदमी ये काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसलिए बाहरी योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। बस जो गलतियां हैं छोड़ दें, कटु बोलते थे छोड़ दें, मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, तमाम व्यसन करते थे गलत चीज खाते पीते थे छोड़ दें, अच्छी चीजों में लगा दें, बस गलत सोचते थे गलत, यही तुम्हें तराशने की बात कर रहा हूं, यही औजार की बात कह रहा हूं, ये तीन चीजें मैंने बताई है ना, मन वाणी और ये इंद्रियां, ये तीन बातें हैं। एक एक चीज को मैं और थोड़ा सा सरलता से बताना चाहता हूं कि कैसे आप इसको इन्हीं हाथों से, इन इंद्रियों से आप कैसे हाथ इसका उपयोग करते हैं। यदि इसका दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, तो दुख आना शुरू हो जाएगा। बड़ा सरल सा गणित है, यदि इन हाथों से मैं किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ूं, प्रणाम करूं, या फिर किसी को मैं कोई उनको जरूरत है तो उनको कोई सामान दे दूं, किसी को तकलीफ है तो सेवा कर दूं, ये हाथों का एक प्रयोग है। लेकिन एक दूसरा प्रयोग भी है हाथ का, वो क्या है, किसी को थप्पड़ मार दें, किसी के सामान को छीन लें, ये भी तो एक प्रयोग है। अब देखो दोनों में अंतर आ गया, आप अभिवादन करते हैं एक रिजल्ट आएगा, प्रणाम करते हैं, अब थप्पड़ मारते हैं दूसरा रिजल्ट आएगा, सामान छीनते हैं अलग रिजल्ट आएगा, किसी को देते हैं अलग रिजल्ट आएगा। प्रयोग आप ही तो कर रहे हैं, आप ही पर निर्भर करता है। अब इसके लिए पढ़े और अनपढ़ की क्या जरूरत है, ये समझ में आ रहा है, मुझे कोई थप्पड़ मारता है मुझे पसंद नहीं है, सामने वाला भी तो इंसान है,
मुझे कोई अभिवादन करता है अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। मेरा कोई सम्मान करता है अच्छा लगता है, सामने वाले को भी यही लगता है। धर्म को आप मंदिर में मत खोजो, तीर्थों में मत खोजो, धर्म आपके जीवन में है। बस जीवन में है, वो अलग नहीं है आपसे, बस उसे उभारना है, बस निकालना है भीतर से। और मैंने क्या कहा, यही कहा, जो भीतर में सद्गुण है, जो भीतर में अच्छाई है, उसको बाहर निकाल दो जीवन में। हम सबके भीतर में बुराइयां भी भरी हुई हैं और अच्छाइयां भी भरी हुई हैं, हर चीज है। हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, लेकिन हमारे भीतर प्रेम भी है, हमारे भीतर क्षमा भी है, करुणा भी है, मैत्री भी है, विश्वास भी है, शांति भी है, सुख सब कुछ भी है। अब हमारा काम क्या है, गलत को न निकालें, अच्छे को निकालें। गलत को न निकाल करके अच्छे को निकालें। अच्छे को निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका प्रयोग करें, सीधी सी बात है। और जिसका आप प्रयोग करते चले जाएंगे वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी, जिसका प्रयोग आप छोड़ देंगे उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी। कोई भी चीज को जिस शक्ति का आप ज्यादा उपयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जिस शक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं वो शक्ति क्षीण होती चली जाती है। ये गणित है, बिल्कुल सरल सा गणित है। जैसे मेरी ओर देखें, देखो मेरे हाथ हैं, ये हाथ है मेरे पास में, इन हाथों से मैं कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन इसमें शक्ति है, काम करता हूँ, करता रहूँ बहुत लंबे समय तक कर सकता हूँ इन हाथों, लेकिन इन हाथों क्या क्या पकड़ा और बांध दिया इसे पीछे ले जा करके, एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, दस बारह साल तक बंधा रह गया। अब उसके बाद खोलूंगा तो कितना काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शक्ति खो गई, उपयोगी नहीं किया। एक गिलास दूध है, दूध में शक्ति है, पोषण देने की, शक्ति देने की, लेकिन जब उसको पी जाऊं वो शक्ति में ग्रहण कर लिया, लेकिन यदि दूध को न पिया, 30 घंटे, 40 घंटे, 2 दिन, 3 दिन नहीं पिया, अब उसकी शक्ति कहाँ गई। फिर से कहूँ, जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते उस शक्ति को आप खो देते हैं, और जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती। और किसी भी शक्ति को बढ़ाना है, किसी भी शक्ति को बढ़ाना है तो उसको बार 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 आपको उपयोग करना पड़ेगा। और जैसे, अच्छा, शक्ति दिखाई नहीं देती है, आपको बताऊं, शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको आपको जागृत, एक्टिव करना पड़ता है। जैसे मैं आपको पूछता हूं अभी, आप लोगों में चलने की शक्ति है? हाँ है। अच्छा दिखाओ, कैसे दिखाएंगे, आप जब चलेंगे ना तो पता चल जाएगा, हाँ आप चलने की शक्ति है, मतलब आपने उस चलने की शक्ति को आप क्या कर दिया, आपने उसको जागृत कर दिया, आपको एक्शन में ले आया, एक्टिव कर दिए उसको। जैसे उसको आपने किया और वो दिखने लग गई, ऐसे ही अभी क्रोध का, हम सबके भीतर क्रोध है, अभी क्रोध थोड़ी दिख रहा है। कई लोग कहते हैं, क्या बताऊं मुझे बहुत क्रोध आता है, तो मैं विनोद करता हूं, दिखाओ जरा क्रोध कहाँ है। साहब ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है, कब होगा, जब कोई निमित्त मिलता है, कोई गलत करता है, बस जो भीतर छिपा है फाट से उड़ जाता है, उभर जाता है। लेकिन आप तो केवल क्रोध की ही शक्ति के बारे में जान रहे हैं, एक दूसरी शक्ति उसको जान ही नहीं रहे हैं, क्या शक्ति और भीतर बैठी हुई है। जिस समय कोई गलत करे तब क्रोध करते हैं, और वही समय है जब आप क्षमा भी कर सकते हैं। क्षमा कब करेंगे आप, उसी समय क्षमा करेंगे ना, कोई गलती करे तभी तो क्षमा करते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्रोध को बाहर निकालें कि क्षमा को बाहर निकालें। क्रोध को निकालेंगे तो क्रोध मजबूत होता चला जाएगा, कई बार करेंगे तो आदत बन जाएगी, फिर तो आपको अनचाहे भी हुआ करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्रोध कब आ गया। लेकिन आपने सोचा नहीं, ये तरीका गलत है मेरा जीने का, आखिर मैंने इतने लंबे समय क्रोध किया, क्या पाया, कुछ तो मिला नहीं, मुझे नुकसान हुआ, साथियों को, घर वालों को नुकसान होता है, और कोई मतलब नहीं निकलता ऐसा करके, अभी तक इसे कोई परिणाम नहीं आया है। क्रोध मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि क्रोध करने के समय मैं तो बेहोशी हो, एक प्रकार से वो पता ही नहीं चलता कि मैं क्रोध कर रहा हूं, और क्रोध में ऐसे शब्द निकल जाते हैं बाद में लगता है नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कर जाता हूं बाद में लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आवेग वेग होता है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता, ये मन में ठाना। अब कहते नहीं ऐसा नहीं करना, तो क्या करना है भाई, इसका उल्टा जो गुण है उसको ले लो, फिर क्या करना है, जब भी आए शांत, या फिर मीठे शब्दों में, या फिर क्षमा करो,
मीठे उत्तर, प्रेम को प्रकट कर दो, उसको दिखा दो उस चीज को, अब वो बढ़ता चला जाएगा और वो खत्म होता चला जाएगा। जब आप जीवन को बदलेंगे तभी बदलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हम केवल इतना ही मान लें कि केवल आरती वंदन कर लें और जीवन बदल जाएगा, देख लो ना चारों तरफ, तो जो रोज पूजा करने वाला आदमी भी, जो घर में दो दो घंटा पूजा करने वाला आदमी ऑफिस में जाता है तो बिना घुस के काम नहीं करता, ऐसे लोग देखे होंगे आप। बहुत सारे माला वाला पहनने वाले लोग भी घुस लेते रहेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, दुकान में बैठेंगे, मिलावटबाजी करेंगे, धोखाधड़ी में लगे रहेंगे। और बहुत से कथावाचक, मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से, मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई गलत नहीं भाव है, लेकिन ऐसे कथावाचक लोग भी मिल जाएंगे जो तंबाकू खाते हैं और पान खाते रहते हैं। खान पान ही शुद्ध नहीं हो पाया है, कौन से शुद्धि कर पाएंगे आप? बड़ी स्थूल चीजों को सुधारने की जरूरत है, वही नहीं, गलत ही चीज खा पी रहे हैं, कैसे जीवन सुधरेगा? फिर गलत शब्द ही निकल रहे हैं, मुंह से कटु निकल रहा है, गलत शब्द बोले चले जा रहे हैं, कैसे होगा? पहले ये इन सब चीजों को देखें, वाणी कैसे निकल रही है, ध्यान दो जरा शिष्य को। मैंने इंद्रियों के बारे में बताया, इन्हीं वाणी से आप किसी को कटु बोल सकते हैं, मीठा भी तो बोल सकते हैं। कबीर की पंक्ति तो याद ही है सबको, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बड़ी सी बोलना है, तो हमें तो ध्यान में रखना है कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द न निकले जो कटु हो, गलत हो। अच्छा, सामने वाला कटु बोलत, मैं भी बोल दिया, सोचो तो सही, सामने वाले ने गलत किया, क्या मुझे गलत करने के लिए कोई सर्टिफिकेट मिल गया? ये उनका जीवन है, मेरा जीवन अलग है, मैं अपने ढंग से जीवन जीऊंगा। कोई अच्छा करे उस अच्छाई को मैं अनुकरण करूं, ये बात तो समझ में आती है। कोई गलत करे तो गलत का अनुकरण क्यों करें हम? जैसे कोई आदमी यहाँ पर आए और टोपी पहन के आए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई टोपी पहने, कितने चलो लो, लाओ मैं भी टोपी पहनूं, अच्छी बात है। लेकिन कोई आदमी नाक कटा के आए, आप भी नाक कटाएंगे, कैसा लगता है आपको? अच्छाई का अनुकरण करना तो ठीक है, लेकिन गलत का अनुकरण करना ये गलत है। किसी के आप मुंह से गलत शब्द निकल रहा है, कटु निकल रहा है, गाली निकल रही है, और उत्तर में मैं भी वही दे रहा हूं, तो मेरा भी उन्हीं के स्तर हो गया, और जीवन इससे नहीं बनेगा। जीवन किससे बनेगा? गाली के उत्तर जब आप मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं, जीवन इससे बनता है, आदर इसका होता है, उससे जीवन बनता है। उससे नहीं बना वो तो बराबर का हो गए, फिर तो वो आदत बन गई गाली देने वाली, क्रोध करने वाली, वो कोई मतलब है? कहीं भी आप जाइए, क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी सामान आप खरीद के लाते हैं ना, या कंपनी वाले जब उस सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है। जिस दिन आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे, आपकी मांग बढ़ जाएगी। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, गुण। क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, विनम्रता हमारी क्वालिटी है, कटुता हमारी क्वालिटी नहीं है, मिठास हमारी क्वालिटी है, असहनशीलता हमारी क्वालिटी नहीं है, धैर्य और सहनशीलता हमारी क्वालिटी है। आप किस आदमी को पसंद करेंगे? आपके घर में ख्याल करिए, 5-10 लोग होंगे घर में मान लो, तो उसमें एक आदमी सुबह उठा और उठ करके एक किनारे जाके बैठ गया, एकदम नाराज, आंखें लाल, भौंहें तनी हुई और मुंह फुलाए हुआ है। कुछ देर तक बैठा रहा तो घर के सदस्य ने कहा, अरे नहा धो लो। नहीं नहाऊंगा। ओ ऐसा है, ठीक है, अब चुप रहे, कौन बोले अब ऐसी स्थिति में। थोड़ी देर के बाद समय बीता, फिर कहा गया, अच्छा ठीक है नाश्ता कर लो। नहीं खाऊंगा। इतना मतलब जैसे वहां से अंगारा निकल रहा हो एकदम। अब आप वहां जाने से भय लगता है, पता नहीं कब क्या बोल दे। लेकिन एक दूसरा सदस्य है, उठा, मुस्कुराता है, हंसता है, जो काम कहो फटाफट करता है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है, हर काम बढ़िया से घर का करता है, मुस्कुराता है। किसे आप पसंद करेंगे? सहज समझा जा सकता है, एक मुस्कुराता हुआ इंसान, एक हंसता हुआ इंसान के पास बैठना पसंद करेंगे, न कि क्रोध से जो गलत शब्द बोला है उनके पास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी क्वालिटी नहीं, हम पसंद ही नहीं करते हैं। इसलिए इन चीजों को बढ़ाना है। क्या हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस प्रकार की क्वालिटी आए, इस प्रकार के गुण आए? और जब तक गुण नहीं आएंगे तो जीवन में जो हम चाहते नहीं आने वाला है।
जीवन तराशना पड़ता है। तो मैंने कहा, एक तो हाथ के बारे में बताया, वाणी के बारे में बताया, कटु हम बोल सकते हैं लेकिन मीठा भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं लेकिन गाली का उत्तर भी हम मीठे शब्दों में दे सकते हैं, या फिर मौन रह सकते हैं। कबीर की पंक्ति याद करो, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कहां ही कबीर ना उलटिए वही एक किए। गाली आती है तो एक, फिर आप लौटा दिए, फिर अनेक हो गई, फिर वहां से आई, फिर आप गई, कहीं तो रुकोगे, पहले ही रुक जाओ। क्या मतलब है अशांत करने से? कभी कभी न्याय नीति की बात कही जा सकती है, लेकिन आप जानेंगे सामने वाला लड़ने को ही उतारू है, शांत रहो, मौन रहो, मौन रहो, ये आपकी विशेषता होगी। तो इसी प्रकार मन, इस सब जो मैंने मन वाणी के लिए कहा और इंद्रियों के लिए, इससे भी बढ़ के है मन, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। हम जो सोचते हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी को बचपने से चलना सिखाया गया, खाना पीना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, चलना सिखाया गया, पहनना ओढ़ना सिखाया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया, एक चीज नहीं सिखाई गई, कैसे सोचें, वो नहीं सिखाया गया है। और कैसे सोचें, यही जीवन को बदलता है। आपका सोचना आपके जीवन को बनाता है, ये आप ध्यान दीजिए। कैसे सोचते हैं, जीवन का कोई आकार नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं पानी का आकार कौन सा है, पानी का कोई आकार होता है? नहीं, जिस बर्तन में पानी रखा होता है उसी आकार का पानी होता चला जाता है। इसी प्रकार जीवन का कोई आकार नहीं होता है, जैसे आप सोचते हैं जीवन वही आकार लेता चला जाता है, वो सांचा है। क्योंकि आप जो सोचते हैं वहीं से वाणी निकलती है, वाणी कोई अलग नहीं है, अंतस से ही वाणी निकल रही है। क्या वाणी कहां से निकली? भीतर से। और हमारे इंद्रियों से कहां से संदेश मिल रहे करने के लिए? अंतस से। थप्पड़ मारूं या हाथ जोड़ूं, ये तो हाथ ऊपर है ना, यहां से आवाज आई है कि थप्पड़ मारने का, हाथ जोड़ना है। जो कुछ हो रहा है भीतर से हो रहा है, भीतर से। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनर कन्वर्शन, यही धर्म है। मैं सच बताऊं ना, यही है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? आंतरिक परिवर्तन। ये नहीं है कि मैं सफेद कपड़ा पहन लिया साधु का, या बाल छोटा करवा लिया, या चंदन लगा लिया, माला पहन लिया और धार्मिक। ये धार्मिक थोड़ी है, ये तो ऊपर की चीज है। मैं इसका विरोध में नहीं हूं कि कपड़ा नहीं बदलना है, तिलक ना लगाओ, वो सब ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये सब कर लिया तो मैं धार्मिक हो गया, नहीं हुआ। धार्मिक होता है अंतस की पवित्रता, ये महत्वपूर्ण है। और वो आपको अकेले में बैठ करके तराशना होता है। तो गलत विचार अंदर आ रहा है उसे हटाना है, ये सोचना है। अकेले में बैठो और शांत हो जाओ, और ये लगे किसी के बारे में ना सोचो, अपने आप में शांत और मौन। किसी की याद भी आए उनके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे। ऐसा नहीं है कि याद आए बदले का भाव जगे, द्वेष का भाव जगे, नफरत का भाव जगे। गंदा मन गलत है, ये पवित्र मन वाला बने, ये जीवन की सफलता है। जिसका मन सुंदर होता है जीवन सुंदर होता है। और ये काम रोज करना पड़ता है। आदमी रोज पूजा कर सकता है, लेकिन रोज मन को तरासे, रोज अच्छे विचारों को सुने और पढ़े, जीवन बदलता है। मेहनत करेंगे बदलेंगे ही पक्का। और मैंने कहा ना, विचार जैसे बदले, सोचना आपका बदला। कैसे सोचते हैं इस पर ध्यान दो, मेरे भीतर अच्छे विचारों का प्रवाह हो। अपन कैसे अच्छा, अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, एक ध्यान रखो। छोटा सूत्र बताऊं, अपने विषय में अच्छा सोचो, दूसरों के विषय में अच्छा सोचो, अपना भला सोचो, दूसरों का भी भला सोचो। आप केवल अपना भला सोचे और दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें नहीं पता अंतरात्मा को ये दूसरों के लिए सोच रहा है कि अपने लिए सोच रहे हैं। बस ये सोचना बीज है, और वो बीज गिरता है हमारे अंतर हृदय में, और वहीं से पैदा होता है। फिर बीज यदि गलत है, नकारात्मक है, निगेटिव है, कोई भी, वो यहाँ आएगा और वो देगा उत्तर। यदि वो सही है, वो सही है, यहाँ सही होगा। आपका अंतस में कड़वाहट है तो वाणी से कड़वाहट निकलेगी, इंद्रियों से कड़वाहट कार्य होंगे, और अंदर में मिठास है तो
वाणी से भी मिठास निकलेगी, क्योंकि वाणी कहीं अलग से नहीं है, भीतर से आती है। तो दूसरों के लिए गलत सोचेंगे, उनका नुकसान तो पता नहीं कब होगा, आपका शुरू हो जाता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, पता नहीं उनका कब भला होगा, आपका भला शुरू हो जाता है। कैसे, मैं उदाहरण दिया करता हूं। इतना बड़ा एक बर्तन हो आपके यहां, बर्तन हो, उस बर्तन में आप कोयले का अंगारा जलता हुआ उस बर्तन को भर दें, पहली आंच किसको लगेगी, पहली आंच किसको लगेगी, उसी बर्तन को, पहली ताप उसी को लगेगी ना, फिर बाजू वाले को लगेगी। लेकिन आप क्या किए, उस अंगारे को हटा दिए, क्या किए, फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाले और उसको बर्तन को भर दिए, तो पहली शीतलता किसको मिलेगी, उसी बर्तन को। महत्वपूर्ण है हमारे भीतर में आग है या फिर बर्फ है, विकार है या पवित्रता है, अच्छे विचार हैं या गलत विचार हैं। वो गलत विचार दूसरों को पता नहीं कब नुकसान करेगा, हमारा पहले शुरू, जिस बर्तन में एसिड रखा होता है पहले उसी को नुकसान शुरू कर देता है। ये सब मानसिक जहर है, मानसिक जहर है, इससे बचें। यही असली साधना है, मैं बताऊं, यही असली भजन है, यही असली भजन है। कबीर पंथ में एक पंक्ति कही जाती है, भजन क्या है उसके बारे में गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना ये भजन है, बुरी आदतों को सुधारना ये भजन है। बाकी कोई ढोल मृदंग ले करके रात रात गाए, भजन माने, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन असली भजन है भीतर तराशना और संवारना। इसके लिए मेहनत करें तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन सफल होगा। सत्संग इसी के लिए है, ये विचार इसी के लिए है कि हम अपने जीवन को गढ़ें, संवारें, तराशें। कोई भी चीज को आप तराशने और संवारने लग, बढ़िया लगने लग जाता है। आपका घर आप बढ़िया साफ सुथरा रख दीजिए, सामान को सिस्टम से रख दीजिए, वही घर अच्छा लगने लग जाता है। और कचरा भरा इधर, धूल उधर, कचरे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, किचन में दाओ गंदगी और मक्खी भिनक रही है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही सब सुंदर कर दिया गया, बस ऊबड़ खाबड़ जीवन, और एक है व्यवस्थित और संयमित जीवन, वो जीवन चाहिए हमें, वही जीवन बनाना है। और ये कौन करेगा, हम करेंगे, हमारे जीवन को कोई दूसरा नहीं आएगा तराशने के लिए। ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे जीवन में कोई दूसरा आकर मुझे ठीक करेगा, कोई नहीं आएगा, बस आपको ठीक करने। और मैंने बताया, आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना, ये तीन को ठीक करना है, और तीन मतलब मन ही को करो बस। अर्थात मन में ये भाव रखो, मैं मीठा शब्द बोलूँगा, मैं जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, ये संकल्प लो रोज और काम शुरू कर दो, बहुत जल्दी जीवन बदलता है, बहुत जल्दी, और फिर परिणाम बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। तो फिर हम सभी ये काम करें तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन एक सार्थक और सफल जीवन हो जाएगा। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो बोलता हूँ ना, ये बहुत नीरस विषय है, कोई किस्सा कहानी वाले विषय नहीं है, कि कोई किस्सा हो, कहानी हो, या कोई गीत संगीत हो, मन का लगा रहता है। लेकिन ये विषय ऐसा है बिल्कुल नीरस, एकदम बहुत कम लोग इसको सह पाते हैं, और आप लोगों को धन्यवाद है जो इस विषय को सह पाए और सुन पाए। तो धन्यवाद आप सबको, जो बातें अच्छी लगी उसे स्वीकार करें।